नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विजय मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट, जैसे कि लास्ट हमारा टॉपिक था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में ही बताया था कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन इज अ टूल। डिफ्रेंसिएशन क्या, एक टूल है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन एक टूल है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो सारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे हुआ, तो वो डिराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल इज द बेसिक रूल टू इवेलुएट द फॉर्मूलाज ऑफ डिफ्रेंसिएशन, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मैंने दो मेथड से बताया था, एक एकदम बेसिक था जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट को लेके किए थे और एक बाय फार्मूला हम लोग निकालते, ठीक है। तो चलिए, मैंने बताया था आपको कि बाय फार्मूला ही आप बनाओ, वो आपको ईजी पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का हमारा क्लास है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, क्लियर। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब आप सोचो, अगर डोमेन एक्स था तो फंक्शन हुआ ई टू द पावर एक्स, क्लियर। अगर ये डोमेन टी होता, यानी कि एफ टी होता, तो इन दैट केस हमारा फंक्शन कैसा होता, हमारा फंक्शन होता ई टू द पावर टी। सिमिलरली अगर यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच होगा, डोमेन टी यहाँ पे एक्स प्लस एच होगा, इन दैट केस हमारा फंक्शन कैसा होगा। तो आप सोच सकते हो, एक्स है तो ई टू द पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस एच है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं x प्लस एच मैंने क्यों निकाला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है, तो बस आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। क्या फॉर्मूला है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, हमें डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो डेरिवेटिव मतलब होता है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब आप बोलोगे एफ डैश एक्स का मतलब क्या, तो आपको पता ही है एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स एफ एक्स, ठीक है। सो डी बाय डी एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, मतलब एफ डैश एक्स। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में क्या होता है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि ई टू द पावर एफ ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी कि ई टू द पावर एक्स बाय एच, ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच, लिख सकते हो ना, माइनस माइनस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स बाय एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इन दोनों में अगर हम ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लें, तो ये क्या बचेगा, इन दोनों से हम लोगों ने ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा मेरा ई टू द पावर एच माइनस का माइनस, यहाँ बच जाएगा वन, ठीक है, बाय एच। अब हमारा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है, तो यहाँ एच है यहाँ पे एक्स है, तो ये ट्रीट होगा कॉन्स्टेंट के जैसा, तो ई टू द पावर एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन बाय एच। सो दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था लिमिट वाले पोर्शन में कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसका वैल्यू होता है वन, ठीक है। सो इस ये पूरा एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एच माइनस वन बाय एच 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 एच, ठीक है, इसका वैल्यू वन। सो दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया ई टू द पावर एक्स, ठीक है। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स मतलब क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या था, ई
टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका e टू द पावर x आ गया, ठीक है e टू द पावर x। इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो विद e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आपका e टू द पावर x होता है, ठीक है। तो मतलब जितना डिफरेंशिएशन से पहले था जो फंक्शन था वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।